फ्रेंड्स, आज हम क्वांटिटी मेथड्स टू ईयर 2019-20 रेगुलर पैक क्वेश्चन नंबर 2F सॉल्व करने वाला है। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यूजिंग डोमिनेंस रूल फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो ये पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्लेयर ए का A1, A2, A3 और प्लेयर बी का B1, B2, B3। सो आइए पहले डाटा लिख लेते हैं। प्लेयर बी एंड प्लेयर ए, सो दिस इज 3, 9, 4, 8, 4, 9, 7, 3, 8। सो पहले हमको रॉ मिनिमम कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे देखेंगे मिनिमम है 3, यहाँ पे मिनिमम है 4 और यहाँ पे 3। सो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 4। सो मिनिमम से मैक्सिमम लेना है, दिस वन इज 4। तो यहाँ पे कॉलम मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। सो इस कॉलम में देखेंगे 8 मैक्सिमम है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है। सो ये वैल्यू हो गया 8। सो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज मिनी मैक्स वैल्यू इक्वल्स टू 8। सो नीचे लिखेंगे द गेम हैज नो सेटल पॉइंट। यू कैन अप्लाई द डोमिनेंस रूल बाय यूजिंग रॉ रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन। सो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं रॉ रिडक्शन। सो दोबारा उसी मैट्रिक्स को हम लोग लिख लेंगे 3, 9, 4, 8, 4, 9, 7, 3, 8। सो पहले इसका सॉम निकाल लेते हैं 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 4 16। इस रो का हो जाएगा 21, सिमिलरली लास्ट होगा 18। सो यहाँ पे जो मैक्सिमम है इसी रो को सिलेक्ट करना है और देखना है कौन सा लेस देन इक्वल टू है। सो फर्स्ट कंपेयर टू दिस वन, सो 3 इज लेस देन 8, दिस वन इज 9 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज लेस देन 9। सो नो कंटिन्यूस डोमिनेशन इज ऑब्जर्व। सिमिलरली 7 इज लेस देन 8, 3 इज लेस देन 4, 8 इज लेस देन 9। सो रेस्पेक्टिव कॉलम को हमको एलिमिनेट करना है। सो ये हो गया रॉ रिडक्शन, बाकी सब में नहीं हो रहा है। सो विल गो फॉर कॉलम रिडक्शंस। सो इन केस ऑफ कॉलम रिडक्शंस विल राइट द सेम थिंग्स 3, 9, 4, 7, 3, 8। सो यहाँ पे हमको कॉलम वाइज वैल्यू निकालना है, दिस इज 12, दिस इज 12। सो जो मैक्सिमम उसको चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 एंड 4। सो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जो है, सो फर्स्ट विल कंपेयर 9 इज ग्रेटर, 3 इज लेस देन, सो द नो कॉन्टिन्यूस डोमिनेशन इज ऑब्जर्व। बट हियर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 4 इज ग्रेटर देन 3, 8 इज ग्रेटर देन 4, सो द कॉलम इज डिटेक्टेड हियर। सो लास्ट हमको कौन सा बचा, 2x2 मैट्रिक्स बचा, 3 एंड 9, 7 एंड 3, 2x2 पे मैट्रिक्स। सो इन दिस केसेस यहाँ पे लिख लेते हैं द वैल्यू ऑफ गेम वी इक्वल्स टू दैट इज A11 plus A22 A21 into A12 divided by A11 into A22 minus A21 plus A12। सो उसका वैल्यू डाल लेते हैं 3 into 3, A1 का वैल्यू 3 है। द नेक्स्ट इज 7 into 9,
डिवाइड बाय 3 + 3 - 7 + 9। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा 5.4। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स।